जल्दी से शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि सभी बच्चे आ जाएं। फिर आधे बच्चे बीच में आएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बीच में जो बच्चे आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से शेयर कर दो और लाइक भी कर दें, लाइक कर दें भाई, लाइक कर दें वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जनतंत्र को कह सकते हैं कि मनुष्य के नर जनन तंत्र। पुष्पेंद्र, निशा, मनुष्य के नर जनन तंत्र, जनन तंत्र को समझाइए। मनुष्य के नर जनन तंत्र को समझाइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर करें और फटाफट जल्दी से लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पढ़ क्या रहे हैं हम, मनुष्य के नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर दिया है, बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने कर दिया है, कुछ बच्चे बिना कहे ही कर देते हैं, ठीक है। देखो, वह प्रक्रिया, ध्यान से सुनेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रजनन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजनन। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने समान संतति उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रजनन, या कहेंगे रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी अपने समान संतति उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक है, प्रजनन कहलाता है। लवकुश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो यहां तक हो गया, सभी बच्चे जल्दी से लाइक शेयर कर दें। अब देखेंगे आगे, देखो मनुष्य में, आप सभी को वैसे पता होगा, मनुष्य में कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक, लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, मनुष्य में कौन सा प्रजनन होता है, मनुष्य में होता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है, जिसमें लैंगिक प्रजनन में, जिसमें विभिन्न पद आते हैं, किसमें, लैंगिक जनन में विभिन्न पद आते हैं, विभिन्न पद आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लैंगिक जनन होता है, जो कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में विभिन्न पद आते हैं, कौन कौन से विभिन्न पद आते हैं, युग्मक जनन, कौन कौन से, युग्मक जनन। देखो हम ये देख रहे हैं कि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में कौन कौन से पद आते हैं वो देख रहे हैं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जो युग्मक है उसका स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट देखेंगे निषेचन, क्या है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, ठीक है, सभी बच्चों के पास में जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे भ्रूणीय विकास,
नेक्स्ट क्या है? भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास के बाद में क्या है? जन्म, या कहेंगे शिशु जन्म। क्या कह देंगे? शिशु जन्म, ठीक है, आदि। तो ये सभी विभिन्न पद हैं जो लैंगिक जनन के दौरान, सॉरी भ्रूणीय जा रहे हैं, पुरुष जनन तंत्र। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीट बार बार आ रहा है, बार बार आता है एग्जाम में। क्या है? पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, या क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, पुरुष जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। देखिए, तो पुरुष जनन तंत्र में, पुरुष जनन तंत्र में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पुरुष जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लवकुश पांडे एकदम करेक्ट है, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट जरूरी होता है? पहला होता है वृषण। कौन सा है? वृषण, जो कि कितना होता है? एक जोड़ी। कितने होता है? एक जोड़ी होता है वृषण, ठीक है, एक हो गया वृषण। दूसरा देखेंगे सहायक नलिकाएं, दूसरी कौन सी होती हैं? सहायक नलिकाएं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कोई स्किप नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बता चुकी हूं, रिपीट बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए या पुरुष जनन तंत्र, या ये कह सकते हैं कि पुरुष जनन तंत्र को समझाइए, रिपीट आ रहा है क्वेश्चन, क्या हो गया भाई? चलो ठीक है, दो हो गया, एक वृषण जो कि एक जोड़ी, दूसरा है सहायक नलिकाएं, तीसरा है सहायक ग्रंथियां, तीसरी क्या है? सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, ठीक है, वृषण एक जोड़ी, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां, तीन हो गया। लास्ट है हमारा बाह्य जननांग, क्या है? बाह्य जननांग लिखते हैं, जननांग, ठीक है, बाह्य जननांग, ठीक है। अब देखेंगे डिटेल में, तो यहां तक क्लियर हो गया, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषण जो कि एक जोड़ी, टेस्टिस बोलते हैं जिन्हें, क्या बोलते हैं? टेस्टिस, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग उपस्थित होंगे, ठीक है, बाह्य जननांग उपस्थित होंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, सबसे पहले अब क्या देखेंगे? वृषण, हेडिंग डाल लेंगे क्या? वृषण, वृषण को हम क्या बोल देते हैं? टेस्टिस, ठीक है ना, वृषण को क्या बोल देते हैं? टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस या वृषण। तो देखो, इतना आपको पता होगा, मैंने जस्ट अभी बताया है कि वृषण या टेस्टिस, ये हमारा, ये पुरुष जनन तंत्र का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? ये प्राथमिक जनन अंग है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग, क्या है ये? प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है,
या ये कह सकते हैं कि जो टेस्टीज होती हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या कहेंगे प्राथमिक जनन अंग। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज है या व्रसण है, टेस्टीज या व्रसण है, ये प्राथमिक जनन अंग है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो मेन है, मेन जनन अंग जो है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो है टेस्टीज। क्या है? टेस्टीज है, ठीक है, क्या है? टेस्टीज है, ठीक है। तो ये जो टेस्टीज होती हैं, ये उदर गुहा से, ध्यान से देखेंगे, उदर गुहा से बाहर की ओर, ध्यान से सुनेंगे, ये टेस्टीज जो होती हैं उदर गुहा से बाहर की ओर व्रसण कोश में, कहां पे? व्रसण कोश, इसको हम बोल देते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है, व्रसण कोश में उपस्थित होती हैं, व्रसण कोश में उपस्थित होती हैं, होती है। यानी कि जो टेस्टीज है वो व्रसण कोश, जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। यानी कि टेस्टीज के बाहर एक स्किन की मोटी लेयर होती है, एक थैली नुमा संरचना होती है, या ये कह सकते हैं एक मोटी लेयर होती है, जिसको हम व्रसण कोश या स्क्रोटम बोल रहे हैं। उसके अंदर टेस्टीज जो होती हैं, क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं, ठीक है, टेस्टीज उसके अंदर उपस्थित रहती हैं। यहां तक क्लियर है? स्क्रोटम या व्रसण, तो देखो जो व्रसण होते हैं वो अनेक कुंडलित नलिकाओं के, कुंडलित नलिकाओं, नलिकाओं के बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। यानी कि जो टेस्टीज होती हैं उसमें बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। कैसी? सॉरी, कुंडलित थोड़ा सा गलत लिख गया है, कुंडलित, अब ठीक है, कुंडलित, ठीक है, बहुत सारी कुंडलित नलिकाओं से मिलकर ये व्रसण जो है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हाँ, अब देखिए मैंने क्या कहा है कि व्रसण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। जो टेस्टीज होती हैं वो बहुत सारी कुंडलित नलिकाओं के, कुंडलित नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान से सुनेंगे जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी सुनेंगे, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लें, शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हाँ, लवकुश पांडे एकदम करेक्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। देखो जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, जिन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, क्लियर? यहां तक हाईलाइट कर दे रहे हैं, कुंडलित नलिकाएं जिन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं ना, शुक्रजनक नलिकाओं में, ध्यान से सुनेंगे, शुक्रजनक डायग्राम भी बनाएंगे अभी, शुक्रजनन बोल दो या शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिकाओं में, नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ध्यान से सुनेंगे, शुक्राणुओं का क्या कह देंगे? स्पर्म, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे,
शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण निर्माण होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है एकदम कि शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखोगे, देखो ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रही हूं कि जो व्रसन कोष है, क्या है, व्रसन कोष, या जिसको हमने क्या कहा है, स्क्रोटम कहा है, क्या कहा है, स्क्रोटम। तो देखो जो व्रसन कोष है या स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर होता है, क्या कहेंगे, तापमान, तापमान उसका कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्रसन कोष या स्क्रोटम का तापमान जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान के कंपैरिजन में कम रहता है, ठीक है, शरीर की तुलना में कम रहता है, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो व्रसन कोष है या स्क्रोटम है उसका जो तापमान होता है या उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, ठीक है, कितना रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो स्क्रोटम या व्रसन कोष है उसका टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम क्यों रहता है, यानी कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या कहेंगे जो मेल बॉडी है उसके टेम्परेचर से कम क्यों रहता है, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि जो स्पर्म बन रहे हैं कहां पे, शुक्रजनक नलिकाओं में जो स्पर्म बन रहे हैं, तो स्पर्म को सर्वाइव के लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, या स्पर्म सही से बने रहें या वो जीवित रहें उसके लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने जो एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो ये है कि जो मेल बॉडी है, जो मेल बॉडी है उससे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको बॉडी से बाहर बनाया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बॉडी से बाहर बनाया है, ना कि बॉडी के अंदर। जैसे फीमेल में होता है, फीमेल में क्या होता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, मेल में पर क्या होता है, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बॉडी के बाहर होते हैं, क्यों, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है टेम्परेचर, किसका, व्रसन कोष का, कम क्यों रहता है, मैंने अभी बताया, कम इसलिए रहता है स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, किसके लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर जो है व्रसन कोष या स्क्रोटम का कम रहता है, ठीक है ना, कम रहता है ताकि जो स्पर्म है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। हाँ, कोशिकी प्रसंद, ये हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो स्पर्म के जो सर्वाइवल की बात हम कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा खतरनाक सी हो जाती है। ये नहीं कहेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर, चीज को नोट कर ले, एक एक चीज को नोट करते चलें, एक एक चीज को नोट करते चलेंगे, ठीक है। व्रसन में, यानी कि जो टेस्टीज हैं उनमें, ठीक है, व्रसन में कितना, 200 से 250 कक्ष होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कक्ष होते हैं, यानी कि जो एक टेस्टीज की बात कर रहे हैं हम, वैसे कितना प्रेजेंट है, एक जोड़ी कहा है, यानी कि 2 टेस्टीज प्रेजेंट हैं, कितनी, 2 टेस्टीज प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या कहा है, व्रसन में, इसको ऐसे लिखना जरूरी सही होगा
कि प्रत्येक वृषण में, प्रत्येक इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए प्रत्येक वृषण में, अब ठीक है, अब है करेक्ट, प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कक्ष होते हैं, यानी कि 200 से 250 कक्ष बने होते हैं एक वृषण के अंदर, ठीक है, एक वृषण के अंदर 200 से 250 कक्ष बने होते हैं। और देखो प्रत्येक कक्ष में, या ये कहेंगे, या ये कह सकते हैं कि हर कक्ष में, ध्यान से सुनेंगे, हर कक्ष में एक से तीन, ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या कहा है, प्रत्येक कक्ष में 200 से सॉरी प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कक्ष होते हैं। अब हर कक्ष में एक से तीन क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या कहेंगे शुक्रजनक नलिकाएं, हर कक्ष में एक से तीन शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक, जनक या जनन कुछ भी बोल दीजिए, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कक्ष होते हैं, हर कक्ष में एक से तीन शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनमें कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिनमें, मैं बार बार बोल रही हूं एक ही शब्द, जिनमें शुक्राणुओं का, जिनमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किसमें, शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अभी डायग्राम बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, सभी बच्चों ने लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, चलो यहां तक क्लियर है, एकदम तरीका होता है, जहर तरीका से क्लियर है, लाइक शेयर कर दें फटाफट से, देखो अब डायग्राम देखेंगे, अब हम समझेंगे डायग्राम से, ठीक है, अब हम किससे समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे, जो बच्चे डायग्राम भी बनाना चाह रहे हैं ना, वो मेरे साथ साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है, मेरे साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे, थोड़ा सा अब ठीक है, जो बच्चे डायग्राम बनाएंगे वो मेरे साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है ना, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम आप बार बार तो रफ कर दे रही हो, आपके साथ में कैसे डायग्राम बनाएं मैम लाइक कर दिया, अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दिया है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, देखते भी चलेंगे, ठीक है, साथ के साथ सभी बच्चे देखते चलेंगे, डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो सकता है गड़बड़, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, सभी बच्चे एडजस्ट तो कर ही लेते हैं, काफी अच्छे बच्चे हैं हमारे सारे, सब हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, वो बात अलग है कि मैं कभी कभी आप लोगों पे क्या कर देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, ठीक है, कभी कभी आप लोगों पे मैं गुस्सा कर देती हूँ, देखिए कलर लेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे जिनको डायग्राम बनाना है, जिन बच्चों को भी डायग्राम बनाना है, वो सभी बच्चे डायग्राम हमारे साथ में बनाते चलेंगे, ठीक है ना, जिन भी बच्चों को बनाना है वो हमारे साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है, डायग्राम में कोई इशू नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। चलो देखते चलें फटाफट से और नोट डाउन भी करते चलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि अटपटा सा डायग्राम लग रहा हो, और कोई बात नहीं, सब एडजस्ट कर लेंगे, समझना है। हाँ सोनिया आपका कमेंट बिल्कुल जा रहा है भाई, बिल्कुल जा रहा है सोनिया आपका कमेंट, ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट नहीं जा रहा है। ठीक है देखो यहाँ पे एक ऐसे दिल जैसा सेब की संरचना होती है। कैसी होती है? दिल जैसी सेब होता है। कैसा होता है? दिल जैसा सेब होता है। उसके बाद में नीचे मिलेगा आपको एक ऐसी पत्ती जैसी संरचना। कैसी मिलेगी? ऐसी पत्ती जैसी संरचना मिलेगी। ठीक है देखते चलें, एकदम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है एकदम से सब क्लियर कर देंगे, देखते चलेंगे। देखिए यहां से दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है ये मैं दूसरे कलर से कर दूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब अभी मैं नाम लिखूंगी। ये डायग्राम आ गया हमारा थोड़ा सा ज्यादा पास में। ठीक है ज्यादा पास में हो गया है डायग्राम। नेक्स्ट देखेंगे अब देखो इसके बाद में ठीक है अब क्लियर है डायग्राम। ये इधर टेस्टीज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा ज्यादा पास में हो गया था, इधर शिफ्ट कर देंगे यहाँ। ठीक है अब हम देखेंगे नेमिंग इनकी। क्या देखेंगे? अब नेमिंग देखेंगे फटाफट से कि क्या क्या प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पे। ठीक है देखो ये आप लोगों को पता है ये क्या है? टेस्टीज है, टेस्टीज, या हम इसको क्या कह देंगे? प्रसरण। सभी बच्चे ध्यान देंगे, टेस्टीज या प्रसरण कह देंगे इसे। ठीक है और ये जो बाहर वाली लेयर है ये इसको क्या कह देंगे? ब्लू कलर से जो है इसको हम क्या कह देंगे? प्रसरण कोश। इसको क्या कहेंगे? इसको प्रसरण कोश। क्या कहेंगे? प्रसरण कोश या स्क्रोटम, या स्क्रोटम। ठीक है प्रसरण कोश या स्क्रोटम कह देंगे इसको। ला दे रहे हैं डायग्राम को। ठीक है थोड़ा सा हो सकता है डायग्राम सही नहीं बना हो, कोई बात नहीं है, एडजस्ट आप लोग कर लोगे, पता है। ठीक है एडजस्ट कर लोगे, पता है मुझे। ठीक है यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं ये जो है ये ऊपर है क्या? मूत्राशय, या कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, या कहेंगे क्या? मूत्राशय। ठीक है क्या कहेंगे? मूत्राशय। ये क्या है? शुक्रवाहक। क्या है? शुक्रवाहक, या इसको हमने क्या कह दिया है? वासा डिफरेंसिया। ठीक है वासा डिफरेंसिया कह दिया है इसे, सॉरी वासा डिफरेंसिया कह दिया है। देखते चलेंगे, नोट डाउन कर लें सभी बच्चे, नोट डाउन कर लें। ठीक है सभी बच्चे नोट करेंगे, चलो अच्छा है। ठीक है ये है क्या? शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय। ठीक है सभी बच्चे नोट डाउन करते चलें, क्या है? शुक्राशय। और ये जो है ये क्या है हमारे पास में? पुरस्त, या कहेंगे क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है प्रोस्टेट
प्रोस्टेट ग्लैंड या हिंदी में क्या कहेंगे, पुरस्त। ठीक है, जल्दी बताएं भाई। और ये जो है हमारे पास में, ये क्या है, काउपर्स ग्लैंड। क्या है ये, काउपर्स ग्लैंड है ये जो है, ये नीचे देखो ग्रीन कलर से जो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है, काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है, कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा, मैं बता दे रही हूं। चलो, वॉल्वो यूरेथ्रल। क्या है, वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या है, वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियां, सॉरी ग्रंथियां। ठीक है, वॉल्वो या तो हम काउपर ग्लैंड कह दें या वॉल्वो यूरेथ्रल। शिव गोपाल यादव ने बताया, एकदम करेक्ट आंसर है। अंश गौतम ने भी बता दिया है, करेक्ट है, एकदम एकदम से करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे। देखो कौन सा कलर चल रहा है, हाँ इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। इसको हम क्या कहेंगे, इसको मूत्र मार्ग, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मूत्र मार्ग को इसको बोल देते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। अब ध्यान से देखें, देखो ये जो अंदर वाला लेयर है ना, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, पेनिस। क्या बोल देंगे, पेनिस। ठीक है, इंग्लिश में पेनिस, हिंदी में क्या बोलेंगे, शिश्न मुंड। और जो इसकी ये बाहर वाली लेयर है, इसको क्या बोल देंगे, फोर स्किन। क्या, फोर स्किन। क्या बोल देंगे, फोर स्किन बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फोर स्किन। लो भाई साइड हो गए, ठीक है साइड हो गए हैं। देखो साइड हो गए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। सारा डायग्राम क्लियर हो गया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सबको पता है कि जो टेस्टीज है, जो टेस्टीज होती है वो क्या है, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। क्या है ये, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं टेस्टीज जो है। ठीक है ना, टेस्टीज क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम आगे कराते हैं। ठीक है, अच्छा क्या नाम है इनका, प्रत्यूष मिश्रा। भाई बता रहे हो या फिर ऐसे ही बोल रहे हो, जल्दी बताएं, क्लियर यहां तक। एक और डायग्राम बनाएंगे हम। ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मूत्र मार्ग। ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर रहता है, यूरिन क्या रहता है, यहाँ पे स्टोर रहता है। ये है पुरस्त या कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। सुनिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये एक अम्लीय तरल पदार्थ का श्रावण करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक अम्लीय तरल पदार्थ, एक अम्लीय तरल पदार्थ का क्या करती है, एक अम्लीय तरल पदार्थ साबित करती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये अम्लीय तरल पदार्थ, अम्लीय तरल पदार्थ साबित करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक अम्लीय तरल पदार्थ साबित करती है। ठीक है, ठीक है, अम्लीय तरल पदार्थ स्रावित करती है। यहां तक क्लियर है, शुक्राशय है। देखिए जो ये शुक्राशय है,
ये क्या करता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है। ध्यान से सुनेंगे, जो शुक्राशय है, ध्यान से सुनो, ये जो शुक्राशय बनाया है, ये जो शुक्राशय है, ये लिख रहा है, ये दो दो दिख रहे हैं आपको, ये जो शुक्राशय है ये एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है। क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है जो जो सीमेन का या कहेंगे वीर्य का मुख्य भाग होता है। ध्यान से सुनेंगे फिर से, शुक्राशय एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है जो सीमेन या वीर्य का मुख्य भाग होता है। ठीक है, जो सीमेन या वीर्य का क्या होता है, मुख्य भाग होता है, और ये शुक्राणुओं को पोषण व संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण व संरक्षण प्रदान करता है। कौन, शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है जो कि वीर्य का या सीमेन का मुख्य भाग होता है, और ये शुक्राणुओं को पोषण व संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड पे, ये भी बता दिया, ये एक अम्लीय तरल पदार्थ रिलीज करता है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये हार्ट शेप में जो दिख रहा है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिल की शेप में जो दिख रहा है, ये दिल की शेप कह दो या और कुछ कह दो, हाँ दिल वाली शेप जो दिख रही है, जिसको हम पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, अम्लीय तरल पदार्थ रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, अम्लीय तरल पदार्थ रिलीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? चलो जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट से, बहुत जल्दी से लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। मैंने काम बता दिए आपको, शुक्राशय का काम, पुरुषस्थ या कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम भी बता दिया है, और काउपर ग्लैंड या वल्वो यूरेथर जो ग्रंथि होती है, ये भी क्या करती है, एक ये भी एक क्षारीय व चिकना पदार्थ का रिलीज करती है, एक क्षारीय व चिकना पदार्थ रिलीज करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बोले, क्लियर है? चलो क्लियर है मैम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, अनुराग यादव, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता दे रही हूं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, या जो पुरुषस्थ बोल रहे हैं, ये इसका एक मेन काम भी होता है कि जैसे यूरिन पास आउट के टाइम पे, जो ये लिख रहा है ना यूरेथ्रा, अगर मान लीजिए यूरिन पास आउट करना है बॉडी से बाहर, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये क्या काम करती है उस टाइम पे, कि एक टाइम पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि स्पर्म तथा यूरिन दोनों का रास्ता क्या होता है, एक होता है। यूरिन और स्पर्म बाहर, बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए एक ही रास्ता होता है, तो उसमें जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, ये क्या काम करती है, अगर जिस टाइम बॉडी को बॉडी मतलब टेस्टिस को बॉडी से बाहर जब स्पर्म रिलीज करना है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिन वाला जो रास्ता है उसको रोक के रखती है। ठीक है, अगर जब यूरिन पास आउट करना है बॉडी से बाहर, तो जो स्पर्म वाला पोर्शन है उसको कवर करके रखती है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। जल्दी बताएं, क्लियर है? नहीं भाई, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहां तक क्लियर है तो सबको नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या अलग से एक डायग्राम देखेंगे फटाफट से, नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं हम किसका, टेस्टीज का। ठीक है, अलग से देख रहे हैं टेस्टीज या वृषण का नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अलग से बिल्कुल देखेंगे। देखो इसमें अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें 250 200 से 250 क्या बने होते हैं, कक्ष बने होते हैं। क्या 200 से 250 कक्ष बने होते हैं, अभी यही बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है,
देखिए इसमें अंदर क्या होता है, ऐसे प्रसरण जालिका या ऐसे एक जाल जैसा फैला रहता है, ठीक है। क्या रहता है? एक ऐसा जाल जैसा फैला रहता है, सॉरी मैंने प्रसरण जालिका बोल दिया। ये है शुक्रजनक नलिकाएं। क्या है ये? शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्या है ये? शुक्रजनक नलिकाएं हैं जिसमें कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। यही तो बोला था कि टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देखिए एक ऐसे करके इसमें ये जो इससे ज्वाइंट है ना, ऐसे ऐसे ध्यान से देखते रहें। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये है व्रसण जालिका। सबके नाम मैं साथ में ही लिख दे रही हूं। ये है व्रसण जालिका। क्या है? व्रसण जालिका। ये जो एक जाल जैसा दिख रहा है ये क्या है? क्या है? व्रसण जालिका है। अब देखिए रूबी कुरैशी, बहुत बहुत धन्यवाद रूबी। देखो इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, इसी में ज्वाइंट करेंगे। ऐसे एक और जाल सा जाता है ऊपर के साइड को, ध्यान से देखें सभी बच्चे। मैं इसीलिए कलर पेन यूज कर रही हूं। ऊपर को ऐसा एक जाल जैसा जाता है, ठीक है ना। इसको नीचे कर लेते हैं अभी, ठीक है। एक ऐसा जाल जैसा इकट्ठा हो जाता है ऊपर को, ऊपर की साइड में ऐसे, ठीक है। ये जो जाल जैसा इकट्ठा हुआ है ये फिर आगे चल के, ये फिर आगे चल के देखते रहिए सभी बच्चे। देखें आगे चल के एक नली के रूप में मिल जाता है जिसको हम अधिव्रसण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिव्रसण या एपिडाइडमिस। अधिव्रसण या क्या कहेंगे? एपिडाइडमिस। क्या कहेंगे? ठीक है, एपिडाइडमिस कहेंगे, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब क्लियर है? अधिव्रसण या हमने क्या बोल दिया? एपिडाइडमिस, ठीक है। अब देखिए ये यहां से जाने के बाद में व्रसण जालिका, थोड़ा सा साइड में लिखते रहे, रुकिए। देखो ये जब ऊपर जाएगी तो ऐसे यहां से, ठीक है। अब ये व्रसण जालिका हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, यहां पे व्रसण जालिका, ठीक है। क्लियर है? व्रसण जालिका इधर लिख दिया है हमने। ये क्या है? शुक्र वाहक, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक को इंग्लिश में बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक को वासा डिफरेंसिया बोलते हैं, ठीक है ना, वासा डिफरेंसिया। ये तो है शुक्रवाहक। ध्यान से देखेंगे शुक्रवाहक और शुक्रवाहिका में डिफरेंस है। ये है शुक्रवाहक और ये जो है, ये जो ये जाल सा जा रहा है ना, इसको कहेंगे शुक्रवाहिका। दोनों में डिफरेंस है, ये वाहिका है और वो है वाहक। दोनों में डिफरेंस है। ये है वासा इफरेंसिया, इफरेंसिया, ठीक है। ये है वासा इफरेंसिया और ये क्या है? ये क्या है? वासा डिफरेंसिया। दोनों में अंतर है। ये है शुक्रवाहक और वो है शुक्रवाहिका, ठीक है। शुक्रवाहक और शुक्रवाहिका,
वासा डिफरेंसिया वो है वासा इफरेंसिया, ठीक है, क्लियर। तो देखो अंतर क्या होता है दोनों में, देख लो, जो शुक्रवाहिका है ना वो टेस्टिस के अंदर ही होती है, ध्यान से सुनेंगे, जो शुक्रवाहिका है वो टेस्टिस के अंदर होती है और जो शुक्रवाहक है वो टेस्टिस के बाहर होती है, देखो बाहर है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि वासा डिफरेंसिया टेस्टिस के बिल्कुल बाहर होती है और वासा इफरेंसिया जो है वो टेस्टिस के अंदर ही होती है, ठीक है, क्लियर है। अब बहुत अच्छे से क्लियर है दीक्षा मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब हमने क्या कहा था, देखो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, एक दो पॉइंट और समझ लें सभी बच्चे ध्यान से, स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, शुक्रजनक नलिकाओं में, कहाँ पे हो रहा है, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं जिनका जाल जैसा बना हुआ है, ये जो जाल जैसा बना हुआ है शुक्रजनक नलिकाएं, इसमें क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म का निर्माण, ठीक है, शुक्राणुओं या स्पर्म का निर्माण हो रहा है कहां पर, शुक्रजनक नलिकाओं में, ठीक है। ये कैसा जाल सा फैला रहता है, ये शुक्रवाहिका है, सब सारा डिटेल बता दिया है, ये वृषण जाल है ये, और ये क्या है वासा डिफरेंसिया। देखो जब हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, जब पुरुष नसबंदी करते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे, जब हम पुरुष नसबंदी करते हैं तो ये जो वासा डिफरेंस है या शुक्रवाहक है इसी वाली नली को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है, जब पुरुष नसबंदी होती है, हाँ, जब जो पुरुष नसबंदी होती है उसमें जो वासा डिफरेंस है ये शुक्रवाहक है इसी को काटते हैं, ठीक है ना, इसी नली को काटते हैं, बताएं यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें जरूर से, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, चलो मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।